नमस्कार मैं मैं अनंत निकम आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई मैं काफ़ी समय से पोटेंशियल जो ग्रुप है आर्ट एक कम्युनिटी की तरह उन्होंने जो डेवलप किया है एक ग्रुप का मुझे इनका नाम सुन के और इनके ग्रुप के बारे में सोचते हैं तो मुझे छोटे से विलेज में मंदिर के पास एक पेड़ होता है और वो एक कट्टा होता है उस कट्टे पर पूरे गांव वाले बैठते हैं और पूरे गांव की बातें करते रहते हैं हर गांव में किसके घर में क्या हो रहा है क्या होना चाहिए किस तरह से होना चाहिए किसी के झगड़े मिटाना वगैरह ये सब सब बातें वो मंदिर के पास का सबसे बड़ा जो पेड़ होता है उसके नीचे के कट्टे के ऊपर बैठे हुए लोग बातें करते हैं उसी तरह मैं मेरे यंग एज में यर अबाउट ये एटी फोर से नाइन्टी के पीरियड में भारत भवन में जाता था तो वहाँ पर इस चीज़ की बहुत याद आती थी वहाँ पर जय स्वामीनाथन उनके साथ के बड़े बड़े कलाकार लोग वहाँ आते थे और सेम मंदिर के कट्टे के ऊपर जो पेड़ के नीचे बातें होती थी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आंगन और स्टेप जैसी जगह है भारत भवन में वहाँ पर वो बैठ के इस तरह के मजाक मस्ती और बातें होती थी और हम दूर से देखते थे तो लेकिन उस वो क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता था तो उस इनके बातों के कारण हमारे कामों पर पर काफ़ी असर हुआ और आज उसका असर आज के एज में हमको वो दिखने लगा ये जो पोटेंशियल ग्रुप है वो काम करते बीच में दो आर्टिस्ट को तीन आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट को उसमें इन्वॉल्व करते हैं और बहुत अच्छी तरह से और जो समय के अनुसार समय के अनुसार जो कला में बदलाव आते जाता है उस बदलाव का भी झलक उनके एग्जीबिशन में और उनका वो जो इवेंट करते रहते हैं बीच बीच में छः महीने के बाद आठ महीने के बाद जो इवेंट करते हैं एग्जीबिशन करते हैं उसमें दिखाई देती है इसमें अभी जैसे कि मान लो हम पेंटिंग करते हैं तो जनरली लोग ऑयल कलर करते हैं कैनवास के ऊपर वाटर कलर करते पेपर के ऊपर लेकिन एक विजुअल प्रेजेंट करने का जो तरीका है अगर हम आँ, अब देखोगे तो प्रिंट मेकिंग का विजुअल यहाँ पे एक राउंड ने प्रेजेंट किया है प्रिंट है मेकिंग का बेस पार्ट प्रिंट मेकिंग का है लेकिन एक वुड के ऊपर कार्विंग करके ब्लॉक एज ए वर्क ऑफ आर्ट इस तरह से प्रेजेंट किया है उसी तरह इसके पहले के भी जो स्टूडेंट की अगर बातें करेंगे तो श्रीनिवास मेत्रे वगैरह उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया हुआ है उसी इसी शो में और ऐसा ही नहीं है कि ये कुछ आपस के दोस्त मिल के काम करते हैं ऐसा नहीं है अभी इसी एग्जीबिशन में एक आसाम का लड़का है वो भी प्रिंट मेकिंग से अगमा करके लड़का है बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने ट्रेडिशन जो आसाम में एक कपड़ा बुनते हैं लोकल लोग उसी कपड़े के ऊपर उन्होंने प्रिंट किया है उसी तरह अच्छा ये हो गया ट्रेडिशनल उसी के साथ मल्लिकाजुन का अगर वर्क देखोगे तो अलग सा एक ग्राफिक जो विजुअल होता है उस विजुअल के साथ और सिर्फ ब्लैक एंड ब्लैक एंड वाइट के साथ एक वर्क किया हुआ है एक बंच किया हुआ है एक ग्रुप है और उस ग्रुप को अगर आप के तो ये ट्रेडिशनल है लेकिन उसी इमेज के साथ लेकर उन्होंने एक वीडियो इंस्टॉलेशन की तरह एक वीडियो किया है उसमें पूरे वर्क है और उसकी खुद की मूवमेंट उसमें दिखाई है तो ये समय के साथ ट्रेडिशनल वर्क और समय के साथ साथ जो ज़रूरी है वो मॉडर्न का भी टच उनके एग्जिबिशन में दिखाई देता है ये बहुत अच्छी बात है इसका बहुत लंबे असर तक समय तक विजुअल आर्ट में बॉम्बे के आर्ट में कभी भी अगर बातचीत निकलेगी तो पोटेंशियल ग्रुप की बात निकलेगी और इस ग्रुप की बात निकलेगी कि ये ग्रुप ने किस तरह से उस तरह से देखा जाए तो बॉम्बे में उनका जो जगह है बहुत दूर सब एरिया में है ऐसा भी नहीं है कि साउथ बॉम्बे में है लोग आते हैं देखते लेकिन उस उस ग्रुप में और उनके कामों में इतनी ताकत है कि साउथ बॉम्बे के लोग भी यहाँ विज़िट करते हैं और काम देख के एंजॉय करते हैं तो मैं इस ग्रुप को भविष्य के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन है थैंक यू